नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा शशिकला का है। शशिकला, जिनका पूरा नाम शशिकला जावलकर है। शशि एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखती थी और शशिकला की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी भी रही। उन्होंने फिल्मों में हीरोइन के साथ साथ निगेटिव किरदार भी निभाए। कहा जाता है कि अभिनेत्री बनने से पहले शशिकला ने मजबूरी में लोगों के घरों में नौकरानी का भी काम किया और काफी स्ट्रगल के बाद उन्हें फिल्मों में काम मिला। असल में शशिकला का परिवार खूब अमीर था और उनके पिता एक बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन शशिकला को नाचने गाने और एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए सोलापुर जिले के कई शहरों में शशिकला ने कई स्टेज शो भी किए। उस समय शशिकला सिर्फ 5 साल की थी, लेकिन किस्मत में न जाने क्या लिखा था। एक वक्त ऐसा आया जब शशिकला के पिता कंगाल हो गए और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। तब शशिकला के पिता परिवार को लेकर बंबई आ गए। शशिकला ने सालों बाद एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे पिता पूरी कमाई अपने छोटे भाई को भेज देते थे। वो लंदन में पढ़ाई कर रहा था और हम 6 भाई बहन थे। पिता ने अपने परिवार से ज्यादा भाई की जरूरतें पूरी की। एक समय ऐसा आया जब उनके छोटे भाई यानी मेरे चाचा की बहुत अच्छी नौकरी लग गई, लेकिन जब वो हमारे परिवार को चूंकि भूल गए बिल्कुल। मेरे पिता तो दिवालिया हो चुके थे। वो दिन बहुत मुश्किल भरे थे। करीब 8 दिन तक हम लोगों को खाना तक नहीं मिला था। हम लोग इंतजार करते थे कि कोई हमें अपने घर पर लंच के लिए इन्वाइट कर ले। उस दौर की खबरों की माने तो मुंबई में शशिकला ने काम मिलने का खूब प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला और तब मजबूरी में उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। एक बार एक इंटरव्यू में शशिकला ने कहा था, नौकरानी का काम करने के दौरान उनकी मुलाकात एक एक्ट्रेस और सिंगर नूरजहां से हुई, जिन्हें उनका फेस काफी पसंद आया। नूरजहां ने अपने पति से कहकर शशिकला को फिल्म में काम दिलवा दिया। इस तरह से शशिकला ने साल 1945 में फिल्म जीनत में काम किया और इस फिल्म के लिए उन्हें 25 रुपये मेहनताना मिला। इसके बाद उन्हें लगातार कई फिल्में मिली और फिर शशिकला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों में कामयाबी मिलने के बाद शशिकला ने एक्टर KL सहगल के रिलेटिव ओम प्रकाश सहगल से शादी कर ली। कुछ वक्त दोनों का काफी अच्छा गुजरा और इस दौरान शशिकला ने 2 बेटियों को भी जन्म दिया, लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच मन मुटाव और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि एक दिन शशिकला ने घर परिवार बेटी सब छोड़ दिया और एक शख्स के साथ विदेश चली गई। ये शशिकला के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इस बारे में बात करते हुए शशिकला ने एक इंटरव्यू में कहा था, जिस शख्स के साथ मैं विदेश गई उसने मुझे मेंटली और फिजिकली खूब टॉर्चर किया। बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर हिंदुस्तान वापस लौटी। वापस लौटने के बाद थोड़े समय के बाद ही शशिकला ने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। फिलहाल वो लंबे समय से बॉलीवुड से दूर थी और अब इस दुनिया से बहुत दूर हो गई है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।